हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश बाबू कुशवाहा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग भारतीय कॉलेज दुर्ग से सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट लोगों के लिए एचएमटी सब्जेक्ट का नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो टॉपिक का नाम है जनरल हीट कंडक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अपने वो हीट का कंडक्शन या हीट का ट्रांसफर किस तरह से होता है वो अपने को आज पढ़ना है। तो इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें ए बी सी डी है ना, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है, थ्री डायमेंशनल फॉर्म में इसको दिखाया गया है अपने पास। यहाँ से क्यू एक्स अमाउंट की हीट अंदर होती है और इधर से क्या हमने क्यू एक्स प्लस जी एक्स अमाउंट की हीट क्या होती है बाहर निकल रही है, ठीक है। ये ऐसा ही इसमें होता है, समझते ही ऐसा किस फॉर्म में निकल रहा है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या अपने पास जी एक्स है, तो जब भी हीट निकलेगा तो उसमें डिस्टेंस अब कुछ ऐड होगा ना, डिस्टेंस कुछ चेंजेस करेगा हीट को, तो वही चेंज इन हीट है ये, ठीक है। ये जो हीट दे रहे हैं उसका चेंज फॉर्म है, चेंज इन हीट के फॉर्म में निकलता है। अब हमको पता है फोरियर लॉ से है ना, हीट ट्रांसफर है ना, हीट ट्रांसफर ऑफ फोरियर लॉ क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था लास्ट के ए डी टी अपॉन Yes. इस फॉर्म में पढ़े थे इसमें हमने, जहां के क्या थर्मल कंडक्टिविटी था, ए क्या था एरिया था, ये डी टी चेंज इन टेम्परेचर और डी एक्स उसमें लेंथ में या लेंथ या थिकनेस के फॉर्म में से पढ़ते थे हम। तो ये अपना फोरियर लॉ से लाया हुआ है इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखता हूँ मैं इसका हीट फ्लक्स, अगर इसको हीट फ्लक्स के फॉर्म में लिखता हूं क्यू एक्स का, सो क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए, ठीक है। टेम्परेचर क्या है अपने पास डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी टाउ। अब डी टाउ क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है डी टाउ हमारे पास, यानी कितने समय में ये हीट अपने पास आएगा या हीट कितने समय में यहां से यहां तक ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस फॉर्म में करते हैं इसको। अब देखते हैं एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया हमारे पास एक्स डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा डी वाई इंटू डी जेड हो जाएगा। डायरेक्शन कौन सा एक्स, तो इसको के एक्स कर लेते हैं, एरिया क्या हो जाएगा डी वाई इंटू z into del t upon del x into d tau, ये हो गया। जब भी अपने पास q x के फॉर्म में है, ठीक है, जब भी अपने पास किसके फॉर्म में है q x के फॉर्म में है, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे तो 1 नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। अब देखिए यहां जो हीट में ये हीट प्लस के फॉर्म मिलेगा, अब यहां से हीट जो निकल रहा है क्या निकल रहा है पास क्यू एक्स प्लस डी एक्स के फॉर्म में निकल रहा है ना, तो इसके फॉर्म में निकला क्यू प्लस डी एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं हीट इफ्लक्स क्यू एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है, क्यू प्लस डी एक्स, देखिए क्यू प्लस डी एक्स फॉर्म में निकाल लेंगे क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स है ना। अब देखते हैं इस फॉर्म में कैसे आया, समझते हैं हम लोग, जैसे ग्राफ्स मैंने कोशिश किए हैं, ये टेम्परेचर है और ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास एक्स है, तो पहले डी एक्स पे तो क्या बनेगा है ना, डी एक्स पे एक्स बनेगा, अब यहां का डिस्टेंस क्या है मेरे पास डी एक्स बढ़ा देता हूं मैं, तो Tx से क्या होगा Tx plus dx हो जाएगा ये, और यहाँ x से बढ़ क्या हो जाएगा x plus dx हो जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में कितना चेंज हुआ है ना, यहाँ से यहाँ पर का कितना चेंजेस हुआ, सूत्र से निकालेंगे del t upon del x into dx change in temperature है ना, ये क्या बताएगा change in temperature बताएगा with respect to length है ना, इस फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। तो ये यही से दिया हुआ है अपने पास
qx plus dx कितना चेंज हुआ, qx plus del qx upon del x into dx फॉर्म में। इसको इक्वेशन नंबर दो दे देते हैं हम लोग, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर दो दे दिए हम लोग। अब देखते हैं हीट एक्यूमुलेशन ड्यू टू हीट फ्लो इन x डायरेक्शन, हीट एक्यूमुलेशन ड्यू टू हीट फ्लो x डायरेक्शन हीट एक्यूमुलेशन ड्यू टू हीट फ्लो x डायरेक्शन पर, मतलब हीट के फ्लो को कंसीडर करके चल रहा है। तो मान लो डायरेक्शन देखता हूं मैं, तो ये बन जाता है क्यू डी एक्स x डायरेक्शन के लिए हमारे पास इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल क्यू एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसको आगे और सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो माइनस एन होगा, वो ब्रैकेट होगा, सॉल्व करते हैं का और ये जेड डायरेक्शन का, तो पूरे क्या कर रहे थे हम लोग,
ऐड कर देते हैं तो उसको लिखते हैं नेट हीट एक्यूमुलेशन या टोटल हीट, टोटल हीट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 को, इक्वेशन 3 + 4 + 5 ये पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है सबको ऐड कर देता हूं मैं यहां पे, डेल अपॉन डेल वाई छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड, ठीक है ब्रैकेट प्लस क्लोज, क्या मिलेगा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी टाउ, यह जाएगा सबको ऐड करने पर, इसको क्वेश्चन नंबर सीख रहे थे टोटल हीट है अपने पास, ठीक है अगला देखते हैं हम लोग हीट जनरेशन, हीट जनरेशन कौन से हीट जनरेशन, इंटरनल हीट जनरेशन देखते हैं, ठीक है हीट जनरेशन इनटू कंट्रोल वॉल्यूम इक्वेशन इज इक्वल टू स्मॉल क्यू जी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ, ये आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ठीक है हीट जनरेशन है ना, हीट जनरेशन इंटू कंट्रोल वॉल्यूम इक्वेशन के लिए, अब आगे देखते हैं इसी में हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी टू द कंट्रोल वॉल्यूम, अरे बाबा कंट्रोल वॉल्यूम करने रहे जो डायग्राम अपन को वॉल्यूम हीट ट्रांसफर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा है ना, वॉल्यूम में यूनिफॉर्म कंट्रोल रहेगा ना, वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं करना अपने को, ठीक है उसमें जाएगा रो डी एक्स डी वाई डी जेड सी डेल टी अपॉन डेल टाउ इंटू डी टाउ, ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है अब क्या करते हैं हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं, क्या करेंगे हम एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलेंगे, जब भी हम एनर्जी बैलेंस करते हैं तो टोटल हीट प्लस हीट जनरेशन इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी हो जाएगा है ना, तो एनर्जी बैलेंस करेंगे लिख देते यहां पे एनर्जी बैलेंस, ठीक है तो टोटल हीट इज इक्वल टू हीट प्लस हीट जनरेशन इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल हीट जनरेशन कितना अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई
z delta plus heat generation dx dy dz d tau is equal to capacity rho into dx dy dz bracket close c del t upon del tau into d tau. अब देखते हैं यहाँ पे ये चीज कॉमन निकल जाएगा सूत्र से, यहाँ भी है इसमें भी है और देखिए इसमें भी है, तो कॉमन निकाल के उसको क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के जेड डेल टी अपॉन डेल जेड होगा, और ये फंक्शन प्लस जी डी इज इक्वल टू रो इंटू सी इंटू डेल टी अपॉन डेल टा इतने बचेगा, ठीक है इतना आएगा. तो इससे क्वेश्चन नंबर धीरे-धीरे क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये बना है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है. अब क्या देखते हैं इसके बाद, ये क्या है जब थर्मल कंडक्टिविटी पूरे डायरेक्शन में अलग अलग है ना, एक्स डायरेक्शन के लिए kx है, वाई डायरेक्शन के लिए ky है, और जेड डायरेक्शन के क्या मेरे पास kz है. अब जब थर्मल कंडक्टिविटी सेम हो जाती है, ठीक है क्या हो जाती है, जब थर्मल कंडक्टिविटी सेम हो जाती है तीनों एक्सिस के लिए, यानी कि kx is equal to ky is equal to kz is equal to k, है ना, तीनों का इक्वल इज टू क्या लेता हूं मैं k, तो उस केस के लिए क्या बनेगा हमारे पास, तो उस केस के लिए बनेगा अपने पास del square t upon del x square प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर होगा, प्लस क्यू जी अपॉन ये सब क्यू जी है, ये सब क्या है क्यू जी है, क्यू जी अपॉन के हो जाएगा इज इक्वल टू रो सी अपॉन के इंटू डेल टी अपॉन डेल टाउ, ये हो जाएगा ठीक है. यही क्या अपने पास जनरल इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म का, अगर इसको है ना, ये क्या है जनरल इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में ही है, अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं है ना, अगर इसको हम किसके फॉर्म लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, डेल वेक्टर ऑपरेटर के फॉर्म में, ठीक है डेल ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डेल बाहर निकाल लो के डेल डी देखिए है ना के डेल ले जाऊं मैं प्लस क्यू जी इज इक्वल टू रो इंटू सी डेल्टी अपॉन डेल्टा, ये हमारे वेक्टर ऑपरेटर का फॉर्म है ठीक है. अब इसी को क्या बोलते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इस इक्वेशन क्या बोलते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक. अब इसी में हम देखते हैं ये चीज को, ये चीज क्या बनाता है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो इंटू सी होता है, अल्फा क्या है आपका, अल्फा के पास थर्मल डिफ्यूजिविटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी और क्या क्या है थर्मल कंडक्टिविटी,
थर्मल कैपेसिटी ठीक है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी का फॉर्मूला क्या बना है, थर्मल डिफ्यूजिविटी इट इज रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी। ये लिख सकते हैं हम लोग, फिर से रिपीट करता हूं, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी। ये बोलते हैं हम थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब इस इक्वेशन से हम लोग अलग अलग केस बनाते हैं ठीक है। अब देखते हैं लोग केस वन में क्या होगा, केस टू, केस थ्री, बहुत सारे केसेस है हमारे पास, तो उस केस को हम उस फॉर्म में नोट करते हैं, उसी को देखते हैं। अब हम लोग अलग अलग तीन चार केस देखिए फॉर्मूला क्या कहते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट केस बोलता हूं मैं, है ना, केस नंबर फर्स्ट, फर्स्ट केस ये बोलता है नो इंटरनल हीट जनरेशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन लेते हैं, तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एस स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, इंटरनल चीज नहीं है लेकिन हीट जनरेशन हो रहा है तो क्या करेंगे, तो जीरो कर देंगे, इज इक्वल टू रो इनटू सी अपॉन के डेल टी अपॉन डेल टाउ हो जाएगा ठीक है। अब इसी को लाप्लास फॉर्म में लिखते हैं, डेल ऑपरेटर का स्क्वायर टी प्लस इज इक्वल टू रो सी अपॉन के इनटू डेल टी अपॉन डेल टाउ हो जाएगा ठीक है। अब इसी में लेता हूं मैं विथ इंटरनल हीट जनरेशन, विथ इंटरनल हीट जनरेशन तो क्या हो जाएगा, यहां पे डेल स्क्वायर टी प्लस क्यूजी अपॉन के इज इक्वल टू रोसी अपॉन के डेल टी अपॉन डेल्टा, ये हो सकता है, या फिर इसको है ना थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डेल क्यू अपॉन के वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल्टा। देखिए नया फॉर्मूला बन गया पास थर्मल डिफ्यूजिविटी फॉर्म में, कभी कभी एग्जाम में इसको डिराइव करने बोलता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसको इस फॉर्म में डिराइव करके दिखा देगा, यानी सोर्स लेके यहां तक आ जाएंगे ठीक। एक ही हो गया, अगला केस आता है हमारे पास ठीक है। अब इसी को क्या बोलता है कि इंटरनल हीट नहीं बन रहा है, इंटरनल हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, इसी में आके देखते हैं, जब जनरेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, डेल टी इज इक्वल टू वन अपॉन रो डेल टी अपॉन डेल टाउ, नो इंटरनल हीट जनरेशन, नो इंटरनल हीट जनरेशन के फॉर्म में ये हो गया है ना। अब आगे देखते हैं टेम्परेचर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ये केस नंबर थर्ड आ जाएगा मेरे पास, टेम्परेचर नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, टेम्परेचर हमारे पास टाइम पर डिपेंडिंग करे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, तब बनेगा अपने पास डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू जीरो ठीक है। ये हमारे पास पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं इसको, पॉइजन इक्वेशन बोला जाता है इसको। अब अगला केस आता है स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर,
स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर, स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। तो वन डायमेंशनल है तो एक्स एक्स वाले लेंगे हम लोग, तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू जी अपॉन के, सॉरी प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। विदाउट इंटरनल हीट, अगर इसी केस में बोलता है विदाउट इंटरनल हीट, यानी कि इस इंटरनल हीट के बिना जीरो हो जाएगा। विदाउट इंटरनल हीट वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसी डायरेक्शन में वन टी की बात क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग। अगर हीट ट्रांसफर कितना है, टू डायमेंशनल हो रहा है, टू डी हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, और नो इंटरनल हीट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि विदाउट इंटरनल हीट के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको अनस्टडी स्टेट फ्लो लेंगे, अगर इसको बोलते हैं अनस्टडी स्टेट के लिए निकालो, तो अनस्टडी स्टेट के लिए क्या जाएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ अपॉन डेल्टा। तो ये क्या हो गया, अनस्टेडी स्टेट के लिए हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कार्टेशियन इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं, जो अलग अलग केस के लिए, कभी एग्जाम में ये डिराइव करने बोल देता है ना, तो ये जो भी डिराइव करने के लिए क्या करना, पूरा अपना इक्वेशन दिखाना पड़ता है। इस तरह से ये कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ खत्म होता है, जो अपने पास बेसिकली रेक्टेंगुलर लगता। अब इसके बाद हम लोग सिलेंडर देखेंगे, स्फीयर भी देखेंगे, दो के सवाल बनकर सिलेंडर बनता है और स्पीयर बनता है। थैंक यू।